ये स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 चैप्टर नंबर 15 स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी इंट्रोडक्शन पार्ट उसका। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि स्टैटिस्टिक्स क्या है। ये एक प्लूरल फॉर्म है, ये याद रखना है, ये एक हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहती है। व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स? इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इज अ साइंस एनालाइजिंग, इट इज यूज फॉर एनालाइजिंग कलेक्शन ऑफ डाटा। हम उसको डाटा को कहीं से कलेक्ट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, उसके ऊपर जो भी हमारी प्रेफरेबल प्रोसेसिंग होती है, काउंटिंग होती है, वो सारा कुछ जो भी हम लोग करते हैं वो मैथ्स की कौन सी ब्रांच का यूज करके करते हैं? हम लोग स्टैटिस्टिक्स का यूज करके करते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा जो होता है उसको हम लोग एनालाइज, वेरीफाई, जो भी कैलकुलेशंस करते हैं वो मैथ्स की ब्रांच स्टैटिस्टिक्स को यूज करके करते हैं। इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले इसकी टर्म्स डाटा को समझना पड़ेगा। डाटा, व्हाट इज डाटा? रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, raw facts and figures are known as data. Data हमारे पास दो तरह का होता है, एक primary और एक secondary. Suppose हम लोगों ने, आप लोगों का एक mark list तैयार करना है, जो भी data एक टीचर के पास फ्रॉम द वेरी फर्स्ट होता है दैट इज नोन एज प्राइमरी डाटा, और जो डाटा फ्रॉम द अदर सोर्सेज कलेक्ट किया जाता है दैट इज नोन एज सेकेंडरी डाटा। जो भी मैथमेटिकल, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यूज, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यूज हम लोग कलेक्ट करते हैं एज अ डाटा दैट इज नोन एज ऑब्जर्वेशंस, दैट आर नोन एज ऑब्जर्वेशंस। कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फिगर्स आर नोन एज, जो कलेक्शन है इसका, collection of numerical figures are known as raw data. हम ये चाहते हैं ना कि डाटा क्या होता है, जो भी हम लोग ये कहते हैं कि अगर सपोज हमारे पास 5-6 स्टूडेंट्स हैं, उनके मार्क्स हम लोगों ने लेने हैं, तो जो मार्क्स हमने लिए हैं, जो numerical figures हमने लिया है, और उनके collection को हम क्या कहेंगे? raw data. अभी हम लोग एग्जाम्पल्स लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास 5-6 स्टूडेंट्स हैं, जिनके मार्क्स, कुछ मार्क्स उन्होंने गेन किए हैं आउट ऑफ 100। ओके, ये उन्होंने मार्क्स जो गेन किए हैं आउट ऑफ 100। अब अगर हम लोग इनको, सबसे पहले तो हम इनको अरेंज करेंगे, सबसे पहले डाटा को हम लोग अरेंज करते हैं, अरेंज डाटा इन आइदर असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर।
चाहे तो आप डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए, चाहे आप डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए। मैं यहां पे इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करती हूं। सबसे पहले 38, नेक्स्ट 47, 57, 63 एंड 81। जो हम लोग डाटा को इस तरह से असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, दैट अरेंजमेंट इज नोन एज प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। अरेंजिंग डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इज नोन एज प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। नेक्स्ट टर्म हमारे पास डेफिनेशन के लिए आती है रेंज ऑफ द डाटा। रेंज ऑफ डाटा, व्हाट इज रेंज? रेंज होगी इसके मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू का डिफरेंस। व्हाट इज द रेंज? रेंज इज डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू। डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू। यहां हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है? 81। और मिनिमम कौन सी है? 38। अब हमारी जो रेंज है वो कितनी होगी? 43। ओके, अब जो नेक्स्ट टर्म हम लोग डिफाइन करने वाले हैं, दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, दैट इज फ्रीक्वेंसी। अब ये जरूरी तो नहीं है ना कि क्लास में सिर्फ 5 बच्चे होंगे। बहुत सारे बच्चे होते हैं, 30 भी होते हैं, 25 भी होते हैं, कभी कभी 40 भी होते हैं। और ये भी कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ वही जो 5 नंबर, मतलब वही सेम के सेम मार्क्स ही किसी के भी नहीं आएंगे, कईयों के सेम मार्क्स होंगे। आप जैसे मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, सपोज मेरी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, ओके, मेरी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं और उनमें से 10 बच्चों के जो मार्क्स हैं वो 37 आए हैं, और 5 स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं वो आए हैं मेरे पास 51। ओके, अब बिल्कुल सेम इसी तरह से कुछ मार्क्स चलते रहेंगे, किसी बच्चे के कितने मार्क्स आए होंगे, किसी बच्चे के कितने मार्क्स आए होंगे। अब रेपिटेशन में तो मार्क्स की हुई होगी ना। अब कोई भी यूनिट कितनी बार आती है, दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। इज दैट क्लियर? अब कोई भी यूनिट कितनी बार आती है, दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। हाउ मेनी टाइम्स अ यूनिट अकर, हाउ मेनी टाइम्स अ यूनिट अकर इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। अब जैसे मैंने 10 बच्चों के मैं मार्क्स लिख रही हूं अभी आउट ऑफ 100, 38, 51, 47, 88, 92, 51, 38, 47. कितने स्टूडेंट्स हो गए हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब 93, 92, ये 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स हो गए हैं। ओके, यहां मैं अब एक और टर्म भी डिस्क्राइब करते हैं हम लोग, टैबुलर फॉर्म।
ठीक है, जो अरेंजमेंट है हमारे पास वो हम टैबुलर फॉर्म में भी लेके आते हैं, फ्रीक्वेंसी, जिसको हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी बोलते हैं। अब जो अरेंजमेंट है वो हमारे पास ग्रुप डाटा का भी है और अनग्रुप डाटा का भी है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब मैं इसको टैबुलर फॉर्म में लिख रही हूं, यहां मार्क्स है मेरे पास, यहां पे फ्रीक्वेंसी है, मार्क्स सबसे पहले कितने लेने हैं मैंने, मिनिमम वाले 38, इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, कितनी बार आए हैं ये, दो बार आए हैं, दो है इसकी फ्रीक्वेंसी। उसके बाद नेक्स्ट जो आते हैं वो 47 है, 47 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1 and 2 है फ्रीक्वेंसी, मतलब दो बच्चों के 38 मार्क्स है, दो बच्चों के 47 मार्क्स है। नेक्स्ट जो है वो मेरे पास है 51 है, 51 कितने बच्चों के हैं, ये भी मेरे पास दो बच्चों के हैं, ठीक है। उसके बाद मेरे पास कौन से आ गए हैं 51 के बाद, 88 कितने बच्चों के हैं, ओनली वन पर्सन के हैं 88। उसके बाद 92 कितने स्टूडेंट्स के हैं, टू स्टूडेंट्स के हैं। और फिर लेटर ऑन 93 कितने स्टूडेंट्स के हैं, वन स्टूडेंट्स के हैं। और ये है कि कोई नंबर कितनी बार आया है, दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। अब यहां हम लोग चेक करते हैं कि क्या हमारी कोई टर्म छूटी है, 2 to 4 to 6 6 1 7 7 to 9 9 1 10, और मैंने कितने स्टूडेंट्स लिए थे, 10 स्टूडेंट्स। ओके, अब इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही जो हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट था, बाकी हम लोग इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। ओके, बाय बाय।